हेडलाइंस आप जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि कोरोना के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। कोरोना वैक्सीन पर चीन के साथ पाकिस्तान में भी ह्यूमन ट्रायल का फैसला किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बताएं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी तस्दीक कर दी है। जी हाँ, अब तक की अहम खबर है ये कोरोना के हवाले से। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और कोरोना वैक्सीन पर चीन के साथ पाकिस्तान में भी ह्यूमन ट्रायल का फैसला कर लिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है। 3 से 4 माह में मुकम्मल ट्रायल के बाद कोरोना वैक्सीन बाकायदा लॉन्च कर दी जाएगी। इस बारे में मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे मुर्तजा राय से जानते हैं। अपडेट कीजिएगा मुर्तजा। जी बिल्कुल, देखें ये एक खुशखबरी है, चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है और चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी इस वैक्सीन के जरिए ह्यूमन ट्रायल का जो है वो फैसला किया गया है। और इस हवाले से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है और उनका ये कहना है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैक्सीन फौरी तौर पर जो चीन है वो पाकिस्तान को भी फराहम करेगा और यहाँ पर पाकिस्तान में ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद 3 से 4 माह में जब ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तो कोरोना जो वैक्सीन है उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में भी। और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल के लिए सिर्फ जब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करना बाकी है। तो इस हवाले से ये एक खुशाइन खबर है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए मुर्तजा आपका शुक्रिया।